सब्सक्राइब करें बरुण फॉर टेक्निकल को, दबाए इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं बरुण आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बरुण फॉर टेक्निकल में। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो कि आपको हम बताने वाले हैं कि अगर हम एडवांस फीचर अगर हम ऑन करते हैं तो वहाँ पर एक QR कोड स्कैनर आ जाता है, और ये मतलब जैसे हम मेल करने के लिए वहाँ पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर मेल में जो है कि QR कोड आ जा रहा है। QR कोड को कैसे स्कैन करना है और QR कोड से जो है कि हमारा जो है कि वीडियो वेरिफिकेशन हो नहीं रहा है। तो देखिए हमने भी जो है कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुआ हमें भी, लेकिन हमने जो है कि उसका प्रॉब्लम जो है कि ढूंढ लिया है, उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया है कि वो वीडियो वेरिफिकेशन हमारे मोबाइल में कैसे नहीं हो रहा था और क्या क्या आपके साथ भी जो है कि दिक्कत आ सकता है। अगर आपके साथ भी मान के चलिए अगर स्कैन कर QR कोड आ रहा है वीडियो वेरिफिकेशन करते समय, तो उसको जो है कि कैसे जो है कि सही कर सकते हैं और कैसे वीडियो वेरिफिकेशन कर सकते हैं, इस वीडियो में जो है कि कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। देखिए, सबसे पहला रीज़न है आपके फ़ोन में जो है कि पहला तो लोकेशन ऑन होना चाहिए, और दूसरा जो है कि गूगल क्रोम में जाइए, साइड सेटिंग में जाइए और वहां से जो है कैमरा का जो है कि परमिशन अलाउ कर दीजिए। ठीक है, ये दो चीज़ कर देना है। तीसरा चीज़ क्या करना है कि जब भी वीडियो वेरिफिकेशन के लिए आप जाते हैं तो अगर आपका कैमरा का परमिशन अलाउ नहीं है तो आपको अलाउ कैसे करना है वो भी बता दूंगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे कि आप जैसे ही गूगल क्रोम में जो है कि नया टैब लेकर आप जो है कि वहाँ पे वीडियो वेरिफिकेशन का लिंक अगर पेस्ट करते हैं और ओके करते हैं और नहीं हो रहा है, वहाँ पे वीडियो वेरिफिकेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो डेस्कटॉप साइड में जाइए और उसको ऑफ़ कर दीजिए। डेस्कटॉप मोड जो है ऑफ़ कर दीजिए, उसके बाद दोबारा से वीडियो वेरिफिकेशन करना चालू कीजिए। एकदम 100% मैं कह रहा हूँ हो जाएगा। हमारे पास भी ऐसी प्रॉब्लम जो है थी, तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आपके साथ भी इस तरह का कोई दिक्कत आ सके तो आप इसको इस वीडियो के माध्यम से जो कि सॉल्व कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब आपको चलिए चलते हैं आगे, जो है कि बताते हैं कि कैसे जो है कि प्रॉब्लम आ रही थी और इस वीडियो के माध्यम से जो कि अच्छी जानकारी मिलेगा। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो देखिए, अगर वीडियो वेरिफिकेशन अगर नहीं हो रहा है, इस वीडियो को जो है कि ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे चलता हूँ जीमेल में। जीमेल में देखिए हो क्या रहा था, अगर अभी अभी तो देखिए अभी हमारा एडवांस फीचर जो है कि ये एडवांस फीचर जो है कि हमारा ये ऑन हो गया है काफ़ी मशक्क़त के बाद। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, जैसे कि देखिए हमने ये वीडियो वेरिफिकेशन के लिए जो कि एडवांस यूट्यूब फीचर वीडियो वेरिफिकेशन में हमने यहाँ पे वहाँ पे हम ओके किए थे मेल के लिए और वीडियो वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किए थे। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट वीडियो वेरिफिकेशन पर क्लिक करते थे तो हो क्या रहा था कि यहाँ पे स्कैनर आ जाता था। अभी तो देखिए ऑलरेडी मान के चलिए हमारा हो चुका है, तो इसलिए लिख कर आ रहा है कि हो चुका है, लेकिन वहाँ पे जब हम कर रहे थे तो लिख कर आ रहा था कि आपका जो है कि जो स्कैनर था वो दोबारा से स्कैनर आ जा रहा था। तो स्कैनर में जो है कि हम लोग अगर स्कैनर पे अगर हम क्लिक करते थे तो हो नहीं रहा था। तो बाद हम लोग को क्या करना था कि स्कैनर को जो है कि स्कैनर पे हम लोग स्क्रीनशॉट लिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखिए हम लोग क्या किए। स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम लोग लेने के बाद यहाँ से गूगल में गए। ठीक है, ध्यान से देखिए, गूगल में गए, पहला जो हमने किया है प्रोसेस वो आपको बता रहा हूँ। गूगल में गए और यहाँ से जो देख सकते हैं, यहाँ से जो ये दिख रहा है कैमरा वाला जिस पे हम लोग क्लिक किए। ठीक है, इस पर क्लिक करके और ये जो स्कैनर था जो हम स्क्रीनशॉट भी लिए और इसको डाउनलोड भी किए। डाउनलोड कैसे करना है, स्कैनर को दबा के रखना है, डाउनलोड ऑप्शन आ जाएगा उसको डाउनलोड कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हम जैसे क्लिक करिए, तो क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास जैसे कि आ जाता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मुझे मिला कॉपी लिंक का, तो हमने इस कॉपी लिंक पे क्लिक करके लिंक कॉपी कर लिया। अब यहाँ तो काम ख़त्म हो गया। ठीक है, यहाँ काम ख़त्म हो गया।
अब हम लोग गए कहाँ पे, दोबारा से गए क्रोम में, और यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके, और यहाँ से एक न्यू टैब जो लिख रहा है, ये न्यू टैब पे हम लोग क्लिक कर दिए। चलिए नया टैब हम लोग ले लिए। फिर उसने उसके बाद हम लोग क्या किए, यहाँ से सर्च और टाइप यूआरएल पे क्लिक किए, और यहाँ से जो है कि उस लिंक को ऐसे दबा के अब पेस्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके, और फिर से यहाँ जो हमारा लिंक आ गया तो क्लिक करके और हम ओके कर दिए। अब जब हम ओके करते हैं तो हमारा क्या लिख कर आता है, जैसे अभी तो हो चुका है, और वहाँ पे लिख कर आता है कि आपका स्कैनर, मतलब लिख के क्या आता है, स्कैनर दोबारा आ जाता है, स्कैनर जो है कि दोबारा आता है। तो तब हमने क्या किया, और स्कैनर दोबारा आता है, और एक प्रॉब्लम और आ रहा था कि लिख रहा था कि आपका कैमरा जो है कि परमिशन में अलाउ नहीं है। तो कैमरा परमिशन अलाउ कैसे करना है वो भी बताता हूँ। तो यहाँ पे थ्री बिंदु पर जैसे क्लिक कीजिएगा, सेटिंग में जाइएगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको देखिए यहाँ से एक ऑप्शन दिखेगा साइड सेटिंग का, देखिए ध्यान से देखिए, साइड सेटिंग का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से देखिए लोकेशन हमारा अभी ब्लॉक है, और कैमरा आस्क टाइम लिख रहा है। कैमरा पर क्लिक करके, और जो भी आपने परमिशन दिया है या उसको ब्लॉक किया है वो यहाँ पे शो होगा। तो आपको यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि ये हमारा माई अकाउंट google.com लिख रहा है। सिंपल से क्या करना है, अगर इस तरह का आपको लिख कर आ रहा है तो इस पर क्लिक कर देना है। और अभी आप देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, अलाउ और ब्लॉक। तो हमारा क्या था यहाँ पे, ये ब्लॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक था। तो जब ब्लॉक था और यहाँ पे हम क्लिक करते तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसको हम लोग क्या करते थे, कर रहे थे इसको रिमूव कर दे रहे थे, तो ये हो ही नहीं रहा था। तो हम लोग दोबारा ट्राई कर रहे थे, लास्ट में हम इसको अलाउ किया, और अलाउ करने के बाद किया तो आगे जो है कि होना चालू हो गया। ठीक है, ये तो हो गया। अब एक चीज़ और बताता हूँ कि यहाँ पे एक चीज़ और था, क्या था, ये डेस्कटॉप साइट ऑन था। ठीक है, ये डेस्कटॉप साइट ऑन था, तो डेस्कटॉप साइट ऑन था तो फिर से जो है कि हमारा क्या हो रहा था, यहाँ पे स्कैनर आ जा रहा था, फिर से स्कैनर आ जा रहा था, तो फिर नहीं हो पा रहा था। फिर हम लोग क्या किए कि यहाँ से थ्री डॉट पर क्लिक किए, और ये डेस्कटॉप साइट, ये जो डेस्कटॉप साइट है तो हम लोग ऑफ़ कर दिए, यहाँ से ऑफ कर दिए तो फिर हो गया। तो आपको दो तीन चीज़ों पर ध्यान देना है, पहला साइड गूगल के साइड सेटिंग में जाना है, कैमरा के परमिशन दे देना है, उसके बाद यहाँ से डेस्कटॉप साइट जो है इसको ऑफ रखना है। उसके बाद मैं कहता हूँ कि 101% जो है कि आपका ये वीडियो KYC कम्प्लीट होगा, एडवांस फीचर कम्प्लीट होगा, और हमने किया भी है, और हमारा जो है कि सक्सेसफुल रहा। आप लोग भी इसी तरह से कीजिए। बाकी मुझे अगर इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होता है तो मुझे आप तुरंत कमेंट कीजिए, मैं इसका रिप्लाई तुरंत दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको अच्छी नॉलेज मिला होगा, और मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।